In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Good morning, class 6. How are you all? We are on page number 50 and we have unit 3. The topic is school days, school ke din. We have classic fiction. Classic kisko kehte hain? Acche ko. Aur purana, acha ya purana fiction kehte hain, afsane ko. Acha ya purana afsana. And this fiction is about a schoolmaster. Ye jo aap afsana padhenge, it is all about a schoolmaster. School mein padhane wale ustad ke bare mein hai. Charles Dickens is a famous 19th century English writer. Charles Dickens jo hai wo 19th century ke 19th sadi ke bahut hi acche writer hain. In many of his novels he wrote about the schools. Usne apne कई जो नॉवेल्स लिखे हैं उसमें स्कूल के बारे में लिखा है. ही थॉट दैट मेनी स्कूल इन इंग्लैंड वर हार्श. अब उसका ख्याल क्या था, उसके ख्याल के मुताबिक जो है वो इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो हार्श हैं, सख्त हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ हार्श बिहेवियर रखते हैं. एंड ही वांटेड टू टेल हिज रीडर्स हो बैड सम स्कूल्स वर. और वो अपने रीडर्स को बताना चाहता है, अपने पढ़ने वालों को बताना चाहता है कि ये स्कूल्स कितने बुरे हैं. द टेक्स्ट ऑन द फेसिंग पेज कम्स फ्रॉम द हार्ड टाइम्स. अब आप जो इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर जो पेजेस पढ़ेंगे, जो अफसाना पढ़ेंगे, वो कहाँ से लिया गया, हार्ड टाइम में से लिया गया. और ये पब्लिश कब हुई, वाज पब्लिश इन 1854 में पब्लिश हुई. द स्कूल मास्टर मिस्टर ग्रेड ग्रैंड, ग्रेड ग्रैंड के बारे में है ये. वांट्स हिज पीपल्स टू हैव नथिंग टू डू विद इमेजिनेशन. वो क्या चाहते थे, उनके जो टीचर थे वो चाहते थे कि इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ भी इमेजिन ना करें, अपने ख्यालात के साथ कुछ भी ना करें, बल्कि वो क्या करें, एंड जस्ट टू लर्न फैक्ट, सिर्फ हकीकत पर मबनी बात करें. जो भी उसे उनसे क्वेश्चन किया जाए वो फैक्ट्स के साथ जो है वो आंसर दें, इमेजिनेशन या अपने ख्यालात के मुताबिक जो है वो आंसर ना दें, अपने ख्यालात के मुताबिक दुनिया को ना सोचें. बल्कि क्या था, लर्न जस्ट टू लर्न फैक्ट, सिर्फ जो है वो आप क्या सीखें, हकीकत.